अब वो सब साफ वही वही में नहाते है, वही पीने वाला वही सब है। 2000 रुपए जमा करो, जब नल पाइप लाइन लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी, रसीद कटवाओ। ये देखिए नल दिया है सरकार ने, उसमें पूरा काला कीचड़ पानी आता है सर, बहुत मुश्किल से हो रही है सर गुजारा, समाज में भीख मांग के खाना पड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से 15 किलोमीटर दूर भोपाल विदिशा रोड पर करीब 3 से 4 हजार लोग की एक बस्ती है सुखी सेवनिया। इस बस्ती में ज्यादातर लोग कचरा चुनने वाले, बंजारे, आदिवासी, मजदूरी करने वाले, हर छोटे बड़े काम करने वाले, यहाँ तक कि भीख मांगने वाले लोग भी रहते हैं। इस इलाके के लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या है पानी। इतनी बड़ी आबादी प्राइवेट पंप से रोजाना 2 रुपए बाल्टी के हिसाब से पानी खरीदकर अपना गुजारा करती है। इतनी गरीबी के बावजूद एक परिवार कम से कम 40 से 45 रुपए का पानी रोजाना खरीदता है ताकि अपनी रोज की जरूरत पूरी कर सके। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? मोल लेके ला रहे हैं। कितना लगाते हैं? मोल में मतलब 20 रुपए की एक टंकी भरते, 30 अब 40 की 30 की हो गई है। अच्छा, पहले 20 की थी अब 30 की हो गई है। 2 रुपए डब्बा पानी खरीदते साहब, बाल्टी हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 2 रुपए मिलता भर के भर। सर भर पे पानी तो बहुत लगता है इंसान के घर में, बच्चे का घर है वही में नहाते है, वही पीने वाला वही सब है। 25-30 रुपए का भरती हूँ पानी रोज के। अब दिन भर में तो सर देखो गर्मी का टाइम है, नहाना भी चाहिए धोना भी चाहिए, तो 60 रुपए का रोज का पानी हो जाता है हमारे। ये देखिए नल दिया है सरकार ने, उसमें पूरा काला कीचड़ पानी आता है। कहाँ पे दिखाइए? ये देखिए आइए, अब जैसा नाले का गंद होता है ना ऐसा पूरा पानी इसमें आता है। अच्छा, तो सर ये खर्चे के लायक भी नहीं तो होता। कितना देर आता है ये? मतलब 5-10 मिनट के लिए देता है, मुश्किल से 4 कप्पा पानी भराता है। 15 मिनट में 8-10 डब्बा भरते हैं, बात खत्म। रोजाना? रोजाना अभी 8 दिन हुए ये बात के लिए। अच्छा। अभी रोजाना आ रहा है, अभी पूरी गर्मी पूरी निकल गई, कहीं कोई नहीं बूंद पानी नहीं दिया साहब। अच्छा। नहीं टैंकर से खरीदो भैया जहाँ मिले। नल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? लगा ही नहीं इस गली में नल, पैसे जमा है हम लोग के 300-300 रुपए। अच्छा, 2-2 हजार रुपए दो फिर कनेक्शन देंगे। कुछ लोगों ने दे दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिया, जिनके पास नहीं है अभी दे नहीं, वो किस्तों में दो। फिर खुद बोले हम परसों गए थे, 2000 रुपए जमा करो, जब नल पाइप लाइन लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी, रसीद कटवाओ। लॉकडाउन में सर कुछ भी नहीं है, खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। लॉकडाउन में एक टाइम खा रहे हैं और एक टाइम भूखे रह रहे हैं। पानी पी एक टाइम एक दो गिलास पानी पीना है, वहाँ एक ही गिलास पानी पी रहे हैं। और इधर एक दो आदमी बीमार निकल आए थे तो बोले भैया टैंकर वालों भी मना कर रहे साहब, हम लोग कहाँ से लाए पता नहीं है। ये पानी की दिक्कत ज्यादा है सर, हम अब क्या लॉकडाउन में कमाएंगे खाएंगे या पानी भरवाएंगे? सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है? पैसा मिला? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है सर। 10-10 किलो चावल बांटे थे उन्होंने, कुछ नहीं मिला हम लोगों। काम आप जा ही नहीं रहे कहीं, कहाँ से जहाँ साहब ने गाड़ी घोड़ा नहीं चलते, ऑटो माटो सब बंद है। ये बनाते हम लोग ये नहीं, अब तो वो भी नहीं बिक रहा, कहाँ जाएंगे बेचने? लोग तो डंडे मार के भगा रहे हैं। तो सरकारी खाना वाना नहीं मिला? कुछ भी नहीं है सर, हमारा खुद का गल्ला है वो भी नहीं दे रहे हैं सर। बहुत मुश्किल से हो रही है सर गुजारा, समाज में भीख मांग के खाना पड़ रही है। बस्ती में घूमने के बाद अंदाजा लगता है कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है। पानी की मार के साथ साथ अब यह भूखमरी की भी मार झेल रहे हैं। एक ओर जहां कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइज करने और सफाई रखने की गुहार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े शहर की राजधानी से कुछ ही दूरी पर एक इतनी बड़ी बस्ती के पास शौच के लिए भी पानी नहीं है। कोरोना की सारी गाइडलाइन यहाँ के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है।